जब बेसिक फार्मूले बताए गए थे तो उसमें बताया गया था कि साइन कास टैन कॉट का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया था। हमारे पास ट्रिक थी लाल बटे कक्का के रूप में, एक ट्रिक थी जिसमें हमने बताया था कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर पहले वाले इसके पार्ट को लिया जाए तो ये साइन का फार्मूला बनता है, और अगर इसका बीच वाला लिया जाए तो यहाँ से कास का फार्मूला बनता है, और अगर लास्ट वाला लिया जाए तो यहाँ से किसका फार्मूला बनता है, टैन का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया क्या गया है, हमारे पास साइन का दिया है, और साइन का साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमको साइन ए का मान दिया गया है, तो साइन ए का मान हमारे पास क्या दिया गया है, लंब बटे कर्ण, और ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है 3/4। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास लंब का और कर्ण का मान हमको पता है, और यहाँ पे हमको अब हमको आधार का मान निकालना है, यहाँ पे हमको आधार का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, तो समकोण त्रिभुज के अगर हम चित्र की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार बनता है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम इसका सबका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए के लिए सामने वाली भुजा लंब का कार्य करेगी, तो साइन ए के लिए सामने वाली भुजा लंब ये वाली हो जाएगी, और अगर ये लंब हो जाएगी तो इसका मान हमको क्या प्राप्त है, 3 प्राप्त है, और अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण का मान हमको क्या प्राप्त है, 4 प्राप्त है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो है कि हमको इसका मान 3 प्राप्त है और एक का मान क्या प्राप्त है, 4 प्राप्त है, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ से अगर हम पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम देखें जो है तो हमारे पास जो है इसमें ए के लिए, एंगल ए के लिए इसकी अपोजिट साइड जो है ये किसका कार्य कर रही है, लंब का कार्य कर रही है, कोण एंगल ए के लिए। अगर हम एंगल ए को मेन एंगल माने तो इसके इसकी अपोजिट साइड ये लंब का कार्य करेगी और यहाँ पे ये आधार का कार्य करेगी। तो यहाँ पे हम देखें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करते हैं तो ए सी स्क्वायर का हमको वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, और हमारे पास प्लस में बी सी स्क्वायर का मान दिया गया है, तो हम इसका स्क्वायर करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, और उसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। हम यहाँ पे प्लस 9 को इधर भेज देते हैं, इक्वल के बराबर अगर भेजा जाता है तो सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था, अगर ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या निकल आएगा, ए बी स्क्वायर। अगर हम 16 में से 9 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अंडर रूट 7। तो यहाँ से हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कैसे हम आधार का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमको आधार का मान मिला वो हमको रूट 7 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कास ए का मान और टैन ए का मान। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कास ए बराबर क्या होता है, तो कास ए की बात करते हैं तो हमारे पास ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा है कि कास की अगर बात करेंगे तो जब कास की बात करेंगे तो इसका सेकेंड टर्म लेते हैं, और सेकेंड टर्म में ऊपर हमको आधार दिया गया है और नीचे क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो कास ए का मान यहाँ से निकल के आएगा आधार बटे कर्ण। अगर हम आधार की बात करते हैं, अब ए के लिए अगर सामने वाली भुजा लंब का कार्य कर रही थी तो ये किसका कार्य करेगी, आधार का। तो यहाँ से आधार का मान हमको क्या मिल जाएगा, रूट 7 मिल जाएगा। और अगर कर्ण की बात करते हैं तो इसका मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कास का मान यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद सेकेंड वैल्यू इसकी हमको टैन ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टैन ए का मान निकालना है। अगर टैन की बात करते हैं तो टैन के लिए हमें पता
होता है कि थर्ड वाला टर्म लिया जाता है और थर्ड वाले में क्या है लंब बटे आधार। तो यहां से हम लिखते हैं लंब बटे आधार। और अगर अब अपना हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में, तो इसमें ए के लिए सामने वाली भुजा लंब है और लंब का वैल्यू हमें क्या प्राप्त है 3 प्राप्त है। और उसके बाद अगर हम आधार की बात करते हैं तो आधार इसके लिए क्या है रूट 7 है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले के माध्यम से कैसे जो है हम साइन ए का कास ए का या इसके जो भी साइन ए के रेशियो होते हैं उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमने कास ए का और टैन ए का पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आधार का मान निकाला और आधार के मान निकाल के फिर हमने कास ए का और टैन ए का फार्मूला रख के यहाँ पर निकाल लिया, जो कि हमारे ट्रिक के बेस पे है। और ट्रिक के माध्यम से हमको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जबकि अगर इसका विपरीत कर दिया जाए तो विपरीत में हमको यहाँ से कासे के प्राप्त हो जाएगा और अगर यहाँ से बात करते हैं तो हमको सेक ए का मान प्राप्त हो जाता है और यहाँ से अगर देखें तो हमको काट ए का मान प्राप्त हो जाएगा न। तो जैसे यहाँ पे ए लिया जाता है वैसे हम अपना कोण लेने के लिए हमको कोण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं, तो हम यहाँ पे सब पे क्या लगा सकते हैं थीटा लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। आइए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ पे हमको दिया गया है 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद अब हम पांचवे क्वेश्चन में देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास जैसा कि दिया गया है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है 15 काट ए बराबर 8, तो यहाँ से हम काट ए का मान निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम काट ए का मान निकालें तो काट ए यहाँ 15 काट के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। और अभी हमने अपना ट्रिक देखा था, ट्रिक हमारे पास थी लाल बटे कक्का। तो इसके माध्यम से हमने देखा था जो है कि ये वाला जो होता है ये हमारे पास साइन होता है, ये वाला हमारे पास कास होता है और ये हमारे पास टैन होता है। जबकि अगर इसी को नीचे से देखें तो ये हमारे पास कॉसेक हो जाता है और ये यहाँ पे हमारे पास सेक हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्वाट हो जाता है। तो अब हमको निकालना क्या है, क्वाट ए का मान हमारे पास दिया गया है और क्वाट ए बराबर हमारे पास क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो यहीं पे हम लिखते हैं क्वाट ए बराबर आधार बटे लंब। अब हम ले जाके इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमको आधार और लंब का मान पता है तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कॉट ए का जो हमें वैल्यू प्राप्त है ये हमको रेशियो में प्राप्त है, अगर ये हमको रेशियो में प्राप्त है तो हम कह नहीं सकते कि ये इसका एग्जैक्ट मान है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो होते हैं उसको हम के रूप में या यक्स के रूप में भी मान सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे आधार का मान माने तो यहाँ पे हम इसको 8 के रूप में लिख सकते हैं और अगर लंब की बात करते हैं तो लंब को हम 15 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको के रूप में भी लिखें तब भी हमको जो है इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं आधार का मान हमको 8 के प्राप्त है और लंब का मान 15 के प्राप्त है। तो आते हैं हम अपना पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों को बताया गया था, हम यहाँ पे कुछ पाइथागोरस प्रमेय को बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसमें ऊपर वाले को हम ए नाम देते हैं, बीच वाले को बी और लास्ट वाले को सी नाम देते हैं और जो हमारे पास बी प्राप्त है ये 90 डिग्री है। तो हम देखें यहाँ पे हमको प्राप्त क्या क्या है। तो काट ए की बात करते हैं तो काट ए के लिए सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी, काट ए ये हमारे पास मुख्य कोण है और अगर ये मुख्य कोण है तो इसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो ये किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी और ये किसका कार्य करेगी, आधार का कार्य करेगी। अगर ये लंब का कार्य करेगी तो हम देखें यहाँ पे हमको मान किसका प्राप्त है,
हमें आधार का मान प्राप्त है और किसका मान प्राप्त है, लंब का। तो आधार का मान अगर हम देखें तो हमको क्या प्राप्त है, 8 के प्राप्त है, और अगर लंब की बात करते हैं तो लंब का मान हमको क्या प्राप्त है, 15 के प्राप्त है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय को हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब हम मान सबका ला के रख देते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे हमको कर्ण का तो मान निकालना ही था, लेकिन हमको लंब का मान पता था 15 के, और इसका हम स्क्वायर करवा देते हैं, और हमको आधार का भी मान यहाँ पे क्या पता है, 8 के पता है। तो हम इसका मान भी रख लेते हैं यहाँ पे 8 के का, इसका स्क्वायर करवाते हैं। अगर हम बात करते हैं 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, और अगर हम k का स्क्वायर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम 8 का स्क्वायर करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, और k का करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको दोनों को हम जोड़ें तो 225 में हमको क्या जोड़ना है, 69 जोड़ना है ना। तो इसमें अगर हम जोड़ें इसमें तो 9 5 14, और उसके बाद यहाँ पे 64 होगा ना, यहाँ पे 64 होगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 लिख उठेगा, और के स्क्वायर है तो ये 7 में लिख उठेगा। तो यहाँ से हमको किसका मान प्राप्त हो गया, कर्ण स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। अब अगर हम कर्ण का यहाँ से मान निकाल लें तो स्क्वायर हमारा उधर किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर हमको मिल जाएगा रूट 289 के स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से इसकी तो कर्णी कट जाएगी। और अगर हम बात करते हैं 289 तो किसका स्क्वायर होता है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, या हो सकता है कि इसका हम वर्ग अपने आप से याद किए रहें और डायरेक्ट इसका मान लिख दें। तो यहाँ पे जिसको निकालना नहीं आता, हम आइए सीखते हैं कि कैसे इसका मान निकाला जाता है। तो ये हमारे पास दिया गया है 289। सबसे पहले इसमें हम क्या बना लेते हैं, इसका वर्गमूल बना लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसका डबल अंक का पेयर लेते हैं। ये हमारे पास डबल अंक है और यहाँ पे क्या बचा है, सिंगल अंक। तो इसको हम सिंगल अंक को लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 1, अब हम ऐसा इसका डिवाइड करवाते हैं कि यहाँ पे जो रखें और यहाँ पे रखें और ये इससे ज़्यादा ना हो, कम हो, जैसे कि हम भाग में करते हैं, वैसे ही अगर 1 में हम 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, और यहाँ पे भी, और जिससे हम भाग करते हैं उसी को हम फिर नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने नीचे लिख लिया, और हम 2 से अब 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हुआ। अब हमको देखना है जो है कि जो हमारे पास पेयर वाली संख्या है उसको हम नीचे उतार लें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना पेयर उतार लिया, ठीक। अब हम देखें अगर यहाँ पे, तो हमें इसको ऐसे कुछ सॉल्व करना है कि अगर इसको हमको जो है, हमको कार्ड, हम जैसे इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे इसका हम जो है संख्या ले लेते हैं। अब इसका संख्या लेने का मतलब ये है कि हमको इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करवाना है कि इसका जो गुणा है वो ज़्यादा इससे ना हो, इससे हमेशा क्या रहे, कम रहे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर इसमें 7 से गुणा करवा के देखें और तो हमें क्या मिल जाएगा, 77 49 की 9 हासिल 4, और 7 2 14 और 14 4 18, तो ये हमको क्या मिल गया, 189 मिल गया। तो ये हमारा कट गया, और जिससे हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे वही संख्या हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो हमने देखा जो है कि कैसे जो है इसका हम वर्गमूल निकालते हैं ना, तो यहाँ से वर्गमूल हमारा निकल गया और हमारे पास 289 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 17 का स्क्वायर है, और यहाँ पे के का तो स्क्वायर दिया ही गया है, तो यहाँ से हमको जो हमारे पास मान प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया, 17 के प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास किसका मान प्राप्त हुआ, कर्ण का मान प्राप्त हुआ। अब हम ला के यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, 17 के हो गया, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे साइन ए का मान पूछा है और किसका पूछा है, सेक ए का मान पूछा है। तो हम यहाँ पे अपना साइन ए का मान निकाल देते हैं। ये हमारे पास साइन ए का मान यहाँ पे निकालते हैं, और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो यहाँ पे
लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं लंब हमको क्या मिला है। लंब का मान की बात करते हैं तो कितना हमको प्राप्त है, 15 के लिख देते हैं भाई। उसके बाद अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण कितना है, 17 के, तो यहाँ से 17 के लिख देंगे। अब देखो हमारे पास के से के कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ से क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 15/17। तो ये हमको किसका मान प्राप्त हो गया, साइन ए का, और साइन ए का मान क्या प्राप्त हो गया, 15/17 हो गया। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरे में हमसे पूछा है sec a का मान, किसका पूछा है, sec a का मान पूछा है। अगर हम sec a की बात करते हैं तो फिर हम अपने ट्रिक पे आते हैं, यहाँ से sec a का मान हमको क्या पता है, कर्ण बटे आधार पता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बटे आधार। और अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमको क्या प्राप्त है, 17 के प्राप्त है। और अगर आधार की बात करते हैं तो आधार हमको क्या प्राप्त है, 8 के प्राप्त है। फिर यहाँ पे के से के हमारा कट गया और यहाँ से हमको क्या मान प्राप्त हो गया, 17/8। तो हमने देखा यहाँ पे ये हमको साइन ए का मान प्राप्त हो गया और ये हमको सेके का प्राप्त हो गया। तो अब हम देखें इसमें जो है कि एक बार इसको हम फिर से पुनः देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया था और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि यदि 15 काट a = 8 हो तो साइन ए और हमको सेके का मान ज्ञात करना था। तो हमने बताया कि जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है फार्मूला कैसे मिलता है जो है, और इसके लिए ट्रिक क्या है कि किस माध्यम से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ट्रिक थी कि लाल बटे कक्का, और जब ऊपर से लेते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और नीचे से लेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया जो है, हमको जो पहले प्राप्त था उसका हमने मान रखा, हमको काट ए का प्राप्त था, हमने 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड में भेजे तो काट ए बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से आधार का मान हमको 8 प्राप्त हो गया और लंब का मान 15 प्राप्त हो गया। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सर जी ये वाला भुजा लंब होता है, तो हम जिसकी बात करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं, उसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये वाली भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी। जबकि अगर जब सी की बात होती तो सी के लिए ये भुजा किसका कार्य करती, लंब का कार्य करती। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ए के लिए निकालना था, तो ए के लिए हमको क्या मिला है, सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का, और इसके बगल वाली भुजा किसका कार्य करेगी, आधार का। तो हमें प्राप्त क्या था, आधार का मान 8 के प्राप्त था और लंब का मान क्या प्राप्त था, 15 के प्राप्त था। ठीक, तो हम अब देखो आधार का भी मान हमको प्राप्त है और किसका मान प्राप्त है, लंब का, और यहाँ पे हमको किसके रूप में, अनुपात के रूप में प्राप्त था। और अनुपात को हम हमेशा किसी रूप में मान लेते हैं, तो हमने किसके रूप में माना, के रूप में मान लिया इसका, कि इसका आधार का मान 8 के है और लंब का मान 15 के। अब हमको आधार लंब का मान पता था तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए और उसके द्वारा हमने कर्ण का मान निकालने का प्रयास किया। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लंब की बात करते हैं तो लंब का मान हमको यहाँ प्राप्त था 15 के और आधार का मान क्या प्राप्त था, 8 के। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर करवाए तो 225 के स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करवाए तो 64 के स्क्वायर। हमने दोनों को ऐड किया, 289 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो हमने यहाँ से वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकालने पे पता चला कि ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास कर्ण का मान क्या मिल गया, 17 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर। तो इससे इसकी कर्णी कट गई, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 17 के, या प्लस माइनस के, प्लस माइनस 17 के। और प्लस माइनस की बात करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू ली जाती है किस में ली जाती है, प्लस में। तो यहाँ से कर्ण का मान हमको क्या मिल गया, 17 के। तो अब हमारे पास आधार का भी मान मिला, लंब का भी, और कर्ण का। अब हमको साइन ए का निकालना था, तो साइन ए का फार्मूला हमने सीखा है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें ही यहां पे यही लगा दिए कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां से क्या आ गया, 15 के बटे 17 के, और के से के कट गया तो साइन ए का मान क्या आ गया, 15/17। और अगर हम बात करते हैं सेके की, तो सेके बराबर हमने क्या सीखा है, कर्ण बटे आधार। तो यहां से कर्ण बटे आधार हम देखते हैं, कर्ण हमारे पास क्या प्राप्त है, 17 के, और आधार क्या है, 8 के। तो 17/8 के से के कटा, तो यहां से सेके का हमको मान प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास इसका चौथा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम इसके बाद आगे इसका पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या है।
आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परकलित कीजिए। मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हमको एक मान हमको दे दिया गया है और वहां से हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या होता है। अगर अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं तो हम इसके जो है, जो हमारे पास पहला बेसिक का वीडियो बना था उसमें हमने बताया था और हम उसी पर फिर से चर्चा कर देते हैं कि जो इसके अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उसमें हमारे पास साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है और टैन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। तो सेक थीटा का मान तो हमको पता है, अब हमको सेक थीटा के मान के माध्यम से हमको साइन थीटा, बाकी जो भी हमारे पास अनुपात होते हैं उनका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं, हमको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अभी तक हमने ट्रिक बताया था और उसी ट्रिक के माध्यम से सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना है। तो आप लोग जो है ट्रिक को एकदम बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिए, उससे हमारे जितना भी फार्मूला है सब हमारे हमेशा याद रहेगा। तो ट्रिक हमारे पास थी लाल बटे कक्का। अगर हम लाल बटे कक्का की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखें कि जो फर्स्ट वाला होता है इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं ना, तो ये ऊपर से हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम बीच वाले की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन थीटा, ठीक। तो और अगर इसी को हम नीचे से अगर देखें तो हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, और बीच वाला क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं तो लास्ट वाला क्या बन जाएगा, काट थीटा, ठीक। तो अब हम देखें हमारे पास दिया क्या गया है, हमको सेक थीटा दिया है, तो हम तुरंत देख लेते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा का यहां से हमको मान क्या प्राप्त हो गया, कर्ण बटे आधार प्राप्त हो गया, ठीक। अगर कर्ण बटे आधार हमको प्राप्त हो गया तो कर्ण की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि जो ये हमको दिए गए हैं ये किसमें दिए गए हैं, अनुपात में दिए गए हैं, और अनुपात को हम किसके रूप में मान सकते हैं, के रूप में मान लें, यक्ष के रूप में मान लें, हम किसी के रूप में मान लेते हैं, तो इसको हम के मान रूप में माने, तो यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण का मान 13 के हो जाएगा और आधार का मान क्या हो जाएगा, 12 के हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण आधार का हमको मान प्राप्त ही है, हमको बस लंब का मान निकाल लेना है, और अगर हम लंब का मान निकाल लें तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे देखते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसे पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज का यूज होता है और समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनता है। यहां पे हम बात करते हैं, हम सबका नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इसका नाम ए दिया गया है, इसका नाम बी दिया गया है और इसका नाम सी दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको ए बी सी के रूप में मान तो पता नहीं है, यहाँ पे हमको किसके रूप में पता है, थीटा के रूप में पता है। जो हमारा कोण है वो किसके रूप में दिया गया है, थीटा के रूप में दिया गया है। तो हम चाहे इसको थीटा माने और चाहे इसको थीटा माने, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली भुजा क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो अब थीटा के लिए देखिए हमको क्या दिया गया है, सेक थीटा, और जो सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हमारे पास कर्ण का मान क्या है, 13 के प्राप्त है, और अगर आधार की बात करते हैं तो आधार हमें क्या प्राप्त है, 12 के प्राप्त है, ठीक। तो यहां से हमको मिल गया जो है, दो मान मिल गए। अब हमको लेकिन निकालना किसका मान है, लंब का निकालना है। तो हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय को बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमको मान किसका प्राप्त है, कर्ण का मान प्राप्त है, कर्ण का मान हमको क्या प्राप्त है, 13 के प्राप्त है। लिख देते हैं यहाँ पे 13 के का स्क्वायर बराबर लंब का मान हमको निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की बात करते हैं तो आधार का मान हमको 12 के प्राप्त है, तो इसका स्क्वायर करवाते हैं। 13 का स्क्वायर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 169 के स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर, और 12 की बात करते हैं तो 12 का क्या होता है, 144 के स्क्वायर होता है। अब इसको हम इधर भेज दें, ये हमारे पास प्लस में है, अगर बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इसको हम इधर भेज देते हैं।
तो यहां से हमको लंब स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। अब हम माइनस करते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और यहां से अगर हम 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहां से अगर हम अच्छा एक मिनट, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा ना। और उसके बाद अगर हम 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया, 25 के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक, अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, उसको उधर, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर इधर लगा, उसको भेजते हैं उधर, तो ये कर्णी में हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट 25 के स्क्वायर। ठीक, अगर हम 25 की बात करते हैं तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहां से लंब का हमको मान मिल जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर। और फिर आगे अगर हम देखें तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, लंब का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 के। तो हमने यहां से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से किसका मान निकाल लिया, लंब का, और लंब का मान हमको क्या निकल के आया, 5 के, इसका लंब का मान निकल के आया। अब हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि जो है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, बाकी हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ से हम लंब का मान देखें तो लंब का मान हमको क्या दिया गया है, 5 के दिया गया है। और अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण का मान क्या दिया गया है, 13 के। तो के से के काट दें तो यहां से क्या आ जाएगा, 5/13। ये हमारा किसका मान आ गया, लंब का मान आ गया, ओ साइन थीटा का मान आ गया। अब साइन थीटा के बाद हमको किसका निकालना है, कॉसेक थीटा का। तो हम कॉसेक थीटा का निकाल देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है ना। तो कर्ण बटे अगर लंब होता है तो हम सबका मान रख दें, कर्ण का मान हमने क्या निकाला है, 13 के हमारे पास प्राप्त है। और अगर हम बात करते हैं लंब की तो लंब का मान हमने अभी निकाला है, हमको क्या प्राप्त हुआ है, 5 के। तो के से के कटा और यहां पे क्या आ गया, 13/5 आ गया। ठीक, और अगर हमको ऐसे डायरेक्ट भी निकालना हो तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसी का उल्टा हमेशा क्या आएगा, कॉसेक थीटा का। यहाँ पे हम देखें कि जो हमें साइन थीटा का मान निकलेगा उसी का उल्टा कॉसेक थीटा का निकलेगा, और जो कॉस थीटा का निकलेगा अगर उसी को हम उल्टा कर दें तो किसका निकल जाएगा, सेक का निकलेगा। और अगर हम टैन का निकाल लें, जो टैन का निकलेगा अगर उसका उल्टा करेंगे तो किसका निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉसेक का निकल गया, अब हम किसका निकाल लेते हैं, कॉस का निकालते हैं। तो कॉस थीटा का देखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और आधार हमको क्या प्राप्त है, आधार हमको यहां पे 12 के प्राप्त है, और कर्ण क्या प्राप्त है, 13 के। तो यहां से हमारे पास के से के कट गया और यहां पे क्या मिल गया हमको, 12/13 मिल गया। ठीक, तो यहां पे हमको कॉस थीटा का मान मिल गया, जबकि हमको सेक थीटा का मान दिया गया है यहां पे। तो हमारे पास 3 यहां पे मिल गए और एक ये 4 हमको हो गया। अब हमको 2 और निकालना है, टैन थीटा का और किसका, कॉट थीटा का। तो हम यहां पे आइए देख लेते हैं कि टैन थीटा का और कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान हमको क्या पता है, 5 के, और आधार का मान क्या पता है, 12 के। तो के से के कटा तो यहां से क्या मान हमको मिल गया, 5/12। अब हमारे पास एकदम लास्ट में क्या बचता है, काट थीटा। तो यहां से हम काट थीटा का मान निकालते हैं, काट थीटा का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था कि टैन थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और अगर हम आधार की बात करते हैं तो यहाँ पे आधार हमको क्या प्राप्त है, 12 के, और लंब की बात करते हैं तो लंब हमको क्या प्राप्त है, 5 के। ठीक, तो यहां से हमने के को के से काट दिया तो हमारे पास यहां पे क्या बच गया, 12/5। ठीक, तो आइए देखते हैं जो है कि हमारे पास सबसे पहले कहा गया था क्वेश्चन में कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति हमको अनुपात निकालना था। और अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का मतलब ये था कि हमको यहाँ पे सेक दिया था, साइन कॉस टैन कॉट
कॉसेक का मान निकालना था। तो हमने जो है सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने कर्ण और आधार का मान पता था, तो इससे हमने किसका मान निकाल लिया, लंब का मान निकाल लिया। और लंब का हमारे पास जो मान आया वो क्या आया, 5 के आया। और लंब का जब हमारे पास मान मिल गया तो हमने जो है अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, उसी के माध्यम से हमने सबका फार्मूला रखा, साइन थीटा का, कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का, और सबका मान हमने अपना पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जो निकाले थे त्रिभुज में, सबका मान रखते गए और हमारे पास सबका वैल्यू निकलता चला गया। तो हमने इस प्रकार जो है कुछ इसके बेसिक फार्मूले से हमने इसको सीखा जो है कि कैसे जो है टैन थीटा का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का या त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उसको कैसे निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा जो है कि यहां पे ये सब वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, और अपना जो और जिस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए उस पे आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।